ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है वो बताने जा रही हूँ, जिसकी लेंथ जो मेरे पास जो है 38 इंच तैयार है और हिप जो मेरे पास उसमें 36 इंच है। तो 36 इंच मेरे पास हिप है, तो मैंने इसमें हिप प्लस 4 करना है। तो हिप मेरे पास 36 है, तो उसका चौथाई भाग जो है 9 आया, तो उसमें जो मैंने हिप मेरे पास चौथाई भाग जो है 9 इंच आया, तो मैंने इसमें जो प्लस जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच मैंने जो इसमें मार्जिन 1 इंच जो एक्स्ट्रा मैंने लूजिंग के लिए लिया हो, आधा इंच जो मैंने इसमें जो है मार्जिन सिलाई के लिए लिया हुआ, तो 10.5 इंच जो मैंने इसमें चौड़ाई में कपड़ा लेना है इस तरह से। और यहाँ से भी मैंने पूरा 10.5 ही रखना है। लंबाई भी जो मैंने ये देखिए यहाँ से जो मैंने जो है कपड़ा जो है खुली साइड से लिया हुआ है, लंबाई में मैंने यहाँ से जो कपड़ा पूरे 11.5 इंच लेना है, 11 इंच लेना है, 10.5 है, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ, 11 इंच लिया हुआ है यहाँ से। अब मैंने यहाँ से जो है इसमें 10.5 इंच है, तो इसका जो आधा इंच लेना है मैंने, तो 5.25 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, 5.25 इंच पर ही मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिया। ओके, और फिर यहाँ से मैंने सबसे पहले लेंथ लेनी है। मैंने यहाँ पर बेल्ट मेरे अलग से बनेगी, तो 2 इंच जो मैंने यहाँ पर ऊपर रखना है इस तरह से, 2 इंच की जो मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी, तो 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। और नीचे को लेंथ लेनी है, लेंथ मेरे पास तैयार जो है 38 है, 38 है, तो प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने इसमें फोल्ड के लिए लेना है, यानी 40 पर जो मैंने इसमें निशान लगाना है, इस तरह से सीधा कर देना है इसको। अब हमने यहाँ पर जो है यहाँ से जो हमने जो 5.25 इंच का है यहाँ पर जो इसमें सीधी लाइन लगानी है इस तरह से, और नीचे से यहाँ से गैप देखना है हमारा कितना है, 5.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमने 5.5 इंच का ही गैप रखना है इस तरह से, इसमें जो सीधा निशान लगा देना है। आप चाहे तो फुट्टे की सहायता से निशान लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मूरी तैयार रखनी है, मूरी जो मैंने इसमें 7 इंच तैयार रखनी है, 7 इंच तैयार रखनी है, तो इसका आधा जो है इसमें मार्जिन भी चाहिए मेरे को सिलाई के लिए, तो मैंने तैयार 8 इंच रख लेनी है, तो 4 इंच यहाँ से करनी है, ये देखिए यहाँ पर निशान लगाना है 4 इंच का, और 4 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ से कम ये देखिए जहाँ पर हमारा थाई है, थाई की कटिंग की हुई यहाँ पर 12 इंच है, 11.5, यहाँ से हमने यहाँ पर इस तरह से इसमें निशान लगाना है, ये हमारे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो जाएगी, इससे जो हमारा परफेक्ट जो है प्लाजो की कटिंग होगी। और यहाँ पर भी हमने क्योंकि हमने फिटिंग वाला बनाना है, तो यहाँ से ये देखिए जहाँ पर हमारा यहाँ से देखिए 10.5 आया हुआ है, यहाँ से सीधी निशान लगाना है पहले यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने क्या करना है 1.5 इंच की यहाँ पर गोलाई डालने की, इस तरह से यहाँ से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पर 1 इंच का ये देखिए गोलाई डालिए, जैसे हम आर्मोल के पास गोलाई डालते हैं वैसे इसमें ज़्यादा नीचे को डालनी है, हल्की सी गोलाई डालनी इस तरह से। और यहाँ से इस तरह से अब हमने ये देखिए ये हमने फिटिंग का निशान लगाना है, ये देखिए यहाँ से हमने इसलिए लगाया कि ताकि हमारे यहाँ से सही फिटिंग आए और यहाँ से हल्की सी लूजिंग भी रहे हमारी, इस तरह से ये हमारी जो है फ्रंट के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट के पार्ट की प्लाजो की पैंट कट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हमने जो है ये देखिए इस तरह से इसको डबल कपड़ा करना है, और अच्छी तरह से इसको बिछाना है। आप देख सकते हैं डबल लहर में है ये कपड़ा, ये देखिए अब हमने इसके ऊपर ही इस कपड़े को रखना है। हमने देखिए डबल लहर में कपड़ा बिछा दिया है, और ये देखिए सीधी साइड से इसी तरह से इस कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना, हमने 1 इंच का जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया है 1 इंच का इस तरह से, आप चाहे तो इस तरह से देख लीजिए
ये देखिए पूरा 1 इंच का एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है हमने इस तरह से यहाँ तक। बाकी हम इसी तरह से, ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मैंने डेढ़ इंच लिया इसमें, आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं इस तरह से, और 2 इंच यहाँ, 1.5 इंच यहाँ से लेना है इस तरह से, और यहाँ से अच्छी तरह से इसमें निशान लगाना है। मैंने 1.5 इंच इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इसमें, ये देखिए गोलाई के लिए 1.5 इंच ही लिया हुआ है, तो आगे भी मैंने 1.5 इंच लिया। अगर आप यहाँ से 2 इंच लेंगे तो 2 इंच ही आगे को लेना है, और यहाँ से फिर 1 इंच की हल्की सी इस तरह से गोलाई डाल देनी है। यहाँ तक जो हमारा यहाँ पर नी आया, यहाँ तक जो हमने यहाँ पर तक जो 1.5 इंच की देनी है, 1.5 इंच का निशान लगाया इस तरह से, और यहाँ पर निशान लगा दिया 1.5 इंच का बैक के पार्ट में, जो हम हल्की सी लूजिंग रखेंगे। और यहाँ पर जो हमने पूरा 1 इंच का लेना है एक्स्ट्रा, 1 इंच, क्योंकि हम इसे जो है फिटिंग वाला प्लाजो बना रहे हैं, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमने इसी तरह से कटिंग कर देनी है। अब हम इसमें जो है बेल्ट की कटिंग करेंगे, आप चाहे तो बेल्ट की कटिंग जो है आगे से जो है बुकरम लगाकर ऐड कर सकते हो और पीछे इलास्टिक, लेकिन मैं इसमें पूरे में ही इलास्टिक ऐड करूँगी। तो हमें ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वाला भाग लेना है इस तरह से, और इसमें जो है हिप जो हमारे पास 40 हमने जो है 10.5 लिया हुआ चौड़ाई में, यानी हमारे पास 21 इंच चाहिए, तो 21 इंच ही है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे हम इस तरह से, इसमें डबल इसको फोल्ड मारेंगे इस तरह से। हमें जो है, हमने इसमें जो है 2 इंच जो है इलास्टिक चौड़ाई में ऐड करनी है, तो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, लेकिन जो है आधा आधा इंच हमने मार्जिन के लिए ले लिया है देखिए, और हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से इसमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे इलास्टिक इसमें ऐड कर, ये देखिए मैंने इलास्टिक जिसमें ऐड करनी वो कपड़ा भी मैंने निकाल दिया है पूरा 20-20.5 इंच जितना भी है। आप चाहे तो इसमें जो यहाँ से कट नहीं लगाना है, डायरेक्ट भी इसमें कपड़े को ले सकते हैं। अब मैंने जो ये देखिए डबल लहर में कपड़ा लिया, और यहाँ से बंद साइड इसकी ये देखिए फोल्ड किया हुआ है, और लंबाई जो इसमें कम से कम ये देखिए 13 इंच ली हुई है मैंने, 12 इंच भी आप ले सकते हैं। चौड़ाई में मैंने ये देखिए यहाँ से 6.5 इंच लिया हुआ है, 6.5 इंच ही मैंने यहाँ से लेना है इस तरह से, इस तरह से इसमें निशान लगा देना है। और यहाँ से मैंने ये देखिए 3 इंच यहाँ से लिया, ये गोलाई के लिए बता रही हूँ मैं आपको, और 3 इंच यहाँ से लिया, और यहाँ से जो है हमने 1.5 इंच की ये देखिए इसमें गोलाई डाल दी इस तरह से। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी गोलाई डाल सकते हैं। ये मैंने जो है जेब की कटिंग कर दी इस तरह से, दोनों साइड जो मैं इनमें पॉकेट लगाऊंगी, आप चाहे तो एक साइड भी इसमें पॉकेट लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पैंट कार्ड प्लाजो की मैंने आपको कटिंग बता दी है, दोनों जेबें जो है देखिए इस तरह से यहाँ से इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।